नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको पेट में जमा फैट यानी बेली फैट की समस्या को दूर करने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। दोस्तों पेट में जमा चर्बी को कम करना एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 15 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास हमारे बेली फैट की समस्या को दूर करने वाले सबसे बेस्ट अभ्यास है। और इन अभ्यासों को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों बेली फैट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से भी रख सकते हैं, जिससे कि इन अभ्यासों को करने में आसानी रहे। और फिर इसके बाद सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे पैर को ऐसे ही दोनों पैरों को 8 से 10 बार अप डाउन कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं, जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही से आप कम से कम 15 से 20 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को कमर के निचले हिस्से में फैट बढ़ने की समस्या होती है, हिप्स और थाई में फैट बढ़ने की समस्या है या बेली फैट की समस्या है, वह दूर होती है। और फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे से पीछे करना है। दोनों पैरों को एक साथ आगे से पीछे की तरफ लाइए, 10 टाइम्स लाइए पहले। पीछे से फिर विपरीत दिशा में, फिर ऐसे सीधे। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। आपने अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास हटा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ जितने तान सकते हैं और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें और ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आप ऐसे आगे को झुक जाते हैं, ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तंबों के नीचे से लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकेंड रुकें, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे लेट जाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे। ऐसे ही इसे आप श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम स्टार्टिंग में 8 से 10 बार कीजिए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20 से 25 बार प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है और यह अभ्यास को करने से आप अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं और
श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ तानते हैं जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुक गए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। इसके बाद आपने ऐसे अपने पंजों को अपने दोनों पंजों को जमीन पर ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने शरीर को थोड़ा सा जमीन से ऊपर को उठा लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए कोबरा पोज यानी भुजंगासन 5 सेकंड रुके हैं, 5 से 10 सेकंड रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार करें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सरल धनुरासन को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कंधों को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सरल धनुरासन की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड रुके हैं फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से 4 से 5 बार करने के बाद इस अभ्यास को अब हम आगे पीछे यानी हिलना डुलना लुढ़कना के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपनी थोड़ी को जमीन पर लगाइए पीछे और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए।